गुरु जी मेंबर, एशिया कप का फर्स्ट मैच खेला जाना है श्रीलंका अफगानिस्तान के बीच में। देखो ऑलमोस्ट 3 मंथ के बाद जो है वीडियोस बना रहे हैं आपके लिए। रीजन है एक्सप्लेन वीडियो कल मैं बना के दूंगा आपको। हालांकि मैचेस स्टार्ट होने वाली थी तो मैंने सोचा चलो यार एक दिन पहले बना के सारी चीजें आपको प्रोवाइड कराते हैं ताकि कहीं भी कोई भी दिक्कत ना आए आपके साथ और एक अच्छा खासा पैसा बना पाओ आप ड्रीम लोन पे। प्रेडिक्ट करके सारी चीजें मैं बताऊंगा। हालांकि इस मैच में बहुत सारी चीजें हैं ऐसे जो मैं प्रोवाइड नहीं करा पाया हूँ, आपको माफी चाहते हैं जिस तरीके से थंबनेल देखे हो ना। तो अब देखो यार 28 तारीख को टूर स्टार्ट आने वाला है, ठीक है। पहला मैच एशिया कप का पहला मैच जो श्रीलंका अफगानिस्तान के बीच में खेला जाना है, इतना ज्यादा कुछ देखने को नहीं मिलेगा। बट जो सेकेंड मैच है ना जो कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है, आपको पता है कि कितना मतलब कि एक्साइटेड होते हैं लोग उस मैच को देखने के लिए, क्योंकि बहुत लंबे समय के बाद जो है मैच खेला जाता है। एशिया कप हो वर्ल्ड कप हो, इस तरीके से सीजन में आपको मैचेस देखने को मिलते हैं इंडिया और यहाँ से पाकिस्तान के बीच में। तो सारी चीजें नॉर्मल तरीके से रहेगी, मैं बारीकी से तोड़ तोड़ के सारी चीज आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप सारी चीजें कलेक्ट करके एक अच्छा खासा पैसा बना सकते हो, ठीक है। तो 27 तारीख को मैच खेला जाना है, शाम में मैच होने वाला आई थिंक 7 बजे से, ठीक है। तो श्रीलंका की तरफ से पहले प्लेइंग 11 देखते हैं। देखो कि जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि बहुत ज्यादा चीजें आपको देखने को नहीं मिलेगी इस मैच में, थोड़े बहुत लॉजिक लगाओगे इजीली आप जीत जाओगे, बहुत ज्यादा लफड़ा नहीं होगा आपके साथ, ठीक है। तो श्रीलंका की तरफ से यहाँ से बात करें तो निशांका और यहाँ से गुणतिलका जो है आपको ओपनिंग कराते हुए नजर आएंगे। अब देखो गुणतिलका का बात करें तो ये मुझे लग रहा है कि फ्लॉप जाने वाले हैं। हालांकि देखो सबका प्रेडिक्शन सिक्स सेंस एनालिसिस अलग तरीके से होती है, सो डेट मैंने इनको अपने टीम में नहीं रखा है। हालांकि आपको लिए आपके लिए जो है अदर चॉइस के लिए अवेलेबल होंगे। बात करें भानुका का तो देखो भानुका का खेलने का तरीका जो है ना बिल्कुल से अलग है। आएंगे एक ओवर भी ये टिक गए, ठीक है, क्रीज पर टिक गए तो अच्छा खासा पॉइंट देके जाएंगे, नहीं तो फिर भी ये आपके लिए कुछ नहीं कर पाएंगे, इस बात का ध्यान रखना। क्योंकि इतना बहुत ज्यादा हिट करते हैं, ठीक है, थोड़े भी कंसर्स होके नहीं खेलते हैं। और हालांकि T20 फॉर्मेट के मैच है तो ज्यादा कुछ उम्मीद रखना भी नहीं, ठीक है। तो बात करें भाई यहाँ से असल अंका का, ठीक है, तो इनके पास वो पावर है, कैपेबल है ये थोड़े अच्छे टीम को पुश देने के लिए। तो हमेशा से मैं बताना चाहता हूँ कि जो प्लेयर हैं जो अपने टीम को पुश देने का कोशिश करता है वो खिलाड़ी आपके लिए अच्छा होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो असल अंका आपके लिए अच्छे पिक होंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो भाई मैंने अभी शिफ्ट भी कर रखा है यार कि मैं घर पे नहीं हूँ, ठीक है, मैं दिल्ली शिफ्ट हो गया हूँ, ठीक है। तो एक ये भी रीजन थी जो बीच में कुछ प्रॉब्लम हुई, वीडियोस वगैरह नहीं बना। खैर छोड़ो बात की बातें हैं, अलग वीडियो में बताया जाएगा। बहुत सारे लोग पूछ भी रहे थे कि कहाँ हो, क्या कर रहे हो आजकल, वीडियोस नहीं आ रही, कोई भी अपडेट नहीं। मतलब कि मैंने कुछ करा ही नहीं है, मैं सीरियसली बता रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं करा है। अब जाके देख सकते हो एक पोस्ट तक नहीं करा है। बीच बीच में मूड बना था बट भाई नहीं कर पाए। अब लौटे हैं, बारीकी से सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी, कोई भी कहीं भी दिक्कत वाली बात है नहीं है। धनंजय डे सिल्वा है जो कि देखो स्टार्टेड टाइम में ये जो है खिलाड़ी फोकस्ड था, अब नन फोकस्ड खिलाड़ी है। किस तरीके से यूज करने हैं ग्रैंड लीग में, किस तरीके से आप अच्छा कर सकता है धनंजय डे सिल्वा के साथ आप जाओगे, अच्छा खासा पॉइंट्स कैसे आपको मिल सकता है, सारी चीजें बताई जाएगी, ठीक है। अब यहाँ से बात करें सनाका का तो देखो ये भी मतलब कि कैप्टन रह चुका है अभी, आई थिंक मुझे नहीं पता ही कौन है कैप्टन, ठीक है, ठीक है, कैप्टन रह चुका है बहुत बारी श्रीलंका के लिए। और इन्होंने ना कि देखोगे रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच हुआ तो ऑस्ट्रेलिया को भाई श्रीलंका जैसा टीम ऑस्ट्रेलिया को पानी पिला के आ रही है, ठीक है, तो समझ रहे होगे। हालांकि अफगानिस्तान का मैच है तो अफगानिस्तान भी आयरलैंड को पानी पिला के आ रही है। खैर आयरलैंड का बात अलग है, ऑस्ट्रेलिया का बात अलग है। ऑस्ट्रेलिया एक बेहतरीन मतलब टीम है कंपेरिजन कराओगे आयरलैंड से तो, ठीक है। अब यहाँ से बात करें हसरंगा का तो उभरते हुए खिलाड़ी हैं, स्किल भी अच्छा खासा है, ऐसा मतलब कि बॉलर देख सकते हो, बैटर का उतना कुछ कर नहीं सकते हैं, ठीक है। अब बात करें यहाँ से तिसाकाना का तो रिसेंटली जितने भी मैचेस हुए हैं A to Z हर एक मैचेस में इनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है और हमारे टीम में अवेलेबल भी रहेंगे, कहीं भी कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। कुलरत्ने का बात करें तो हालांकि ये ऑलराउंडर हैं बट अब बॉलिंग डिपार्टमेंट में ज्यादा प्रेफरेंस दिया जा रहा है कुलरत्ने को, ठीक है। तो ये कुलरत्ने आपके लिए ऐसा मतलब कि ग्रैंड लीग में गेम चेंजर साबित हो सकते हैं, तो इक्का दुक्का टीम में ग्रैंड लीग में ट्राई कर लेना, बाकी ऐसा कुछ जो है
एक्स्ट्रा कुछ देखने को नहीं मिलेगा आपको, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब देखो यहाँ से फर्नांडो का बात करें, ए फर्नांडो का, तो अभी से 2-3 साल पहले, मैं बता रहा हूँ 3 साल पहले, ठीक है, मैच खेला गया था श्रीलंका और इंडिया के बीच में, ओडीआई मैच था, ठीक है। तो यहाँ से फर्नांडो ने बहुत ही तगड़ा परफॉर्मेंस दिखाई थी। तो बड़े टीमों के बीच में जब मैच होती है ना, तो यहाँ से फर्नांडो अच्छे करते हैं। हालांकि गेम तो छोटी टीमों के बीच में ही हो रही है, जो श्रीलंका अफगानिस्तान है। हालांकि दोनों का कंपेरिजन कराओगे तो अफगानिस्तान भी कम नहीं है, ठीक है। कह नहीं सकते कि कौन सी टीम जीतने वाली है, कौन सी टीम हारने वाली है, ठीक है। दोनों के बीच में एक तगड़ा मुकाबला आपको देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं कि वन साइडेड श्रीलंका जीत गई, ऐसा नहीं कि अफगानिस्तान वन साइडेड जीत गई। हाँ, हालांकि एशिया कप है, थोड़े बहुत खिलाड़ी जो है अंडर प्रेशर रहेंगे, उसका डिसएडवांटेज मिल सकता है। हालांकि बड़े बड़े मैचेस खेले हैं इन्होंने तो, हालांकि श्रीलंका ने तो बड़े बड़े मैचेस खेले हैं, बट अफगानिस्तान का जैसे देखोगे ना, कुछ कुछ प्लेयर जो हैं बड़े बड़े मैचेस खेले हैं, बट कुछ कुछ प्लेयर जो हैं अभी भी अंडर प्रेशर ही आपको नजर आएंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। बात करें ऐसे बंदेशरी का, तो ये भी उभरते हुए खिलाड़ी हैं और एक अच्छा खासा गेम में कर सकते हैं, क्योंकि डोमेस्टिक लेवल में ये अच्छा खेलते हैं। तो थोड़े ध्यान रखने आपको जरूरी है, जो कि नए नाम हैं उनमें फोकस करो, और बाकी मैंने सारी चीज़ आपको बताई, कहीं भी कोई भी दिक्कत है नहीं। अफगानिस्तान की तरफ से देखो तो भाई यहाँ से नजीबुल्ला जदरान और जजई, ठीक है। मैं बताना चाहता हूँ कि देखो यार, नजीबुल्ला जदरान के जगह पे यहाँ से गुरबाज ओपनिंग कराएं तो अच्छा होगा, क्योंकि गुरबाज ओपनिंग ही कराते हैं। हालांकि कुछ बड़ी न्यूज आई नहीं है कि कौन से टीम ओपनिंग करने वाली है, कौन से खिलाड़ी अच्छा, मतलब कि कौन से खिलाड़ी किस फॉर्मेट में खेलने आएंगे, पोजीशन क्या रहेगी, ऐसी कुछ न्यूज नहीं आई है, ठीक है। तो चलो अभी थोड़े बहुत डाउट रखना है, गुरबाज या जदरान में से कोई एक करेगा। हालांकि एंड ऑफ द मोमेंट कुछ न्यूज वगैरह आ जाती है, तो टेलीग्राम आपके लिए है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, टेलीग्राम ज्वाइन करना लगभग कंपलसरी। और हाँ यार देखो, वीडियो लाइक करो, ठीक है। लाइक नहीं करते हो तो फिर भाई आप मेरे तरफ से कुछ नहीं मिलने वाला है आपको, ठीक है। अरे मजाक कर रहे हैं, ठीक है, मिल जाएगी सारी चीज़ें, वीडियोस मैं बना के दूंगा, बट आपका भी फर्ज बनता है थोड़े बहुत लाइक कर दिया करो, क्या जाता है, ठीक है। थोड़े बहुत पुश मिल जाती है वीडियो, है ना। तो जजई और जदरान, या जदरान के जगह पे गुरबाज, जजई तो ओपनिंग ही कराएंगे, दो यहाँ से ऑप्शन है, या तो जदरान या तो गुरबाज आ सकते हैं। मैक्सिमम चांस है, मुझे लगता है गुरबाज ही आना चाहिए, ठीक है। और ऐसे इब्राहिम जदरान है उस्मान गानी, अब कुछ लोगों को नाम नहीं पता होगा या काम नहीं पता होगा उस्मान गानी का, तो मैं बताना चाहता हूँ कि T20 में बंदा बहुत ही खतरनाक खेलता है, तो थोड़े ध्यान रखना ग्रैंड लीग वगैरह में, क्योंकि सिलेक्शन रेट बहुत ज्यादा डाउन है, तो ध्यान रखने जरूरी है, ठीक है। और गुरबाज का मैंने पता ही दिया, नवी है, आपको भी पता है कि कितने बड़े खिलाड़ी हैं, बड़ा नाम बड़ा काम रहेगा। बट एक काम समझ लेना कि अफगानिस्तान अगर पहले बैटिंग कराने आती है, उस कंडीशन में नवी रहेंगे आपके लिए अच्छे चॉइस, बट अगर पहले खेलने आती है यहाँ से श्रीलंका, उस कंडीशन में जो है नवी को धनंजय डे सिल्वा के साथ आप जो है रिप्लेस कर देना, या यहाँ से धनुष सनाका के साथ रिप्लेस कर देना, ये आपको अच्छा खासा एडवांटेज दिलवाएगी। भाई देखो कि बहुत सारे लोग हैं जो नए नए आए हैं, अभी अभी खेलना स्टार्ट किए हैं, उनको कुछ ज़्यादा पता नहीं होती है, तो मैं बताना चाहता हूँ कि देखो थोड़े दिमाग की भी गेम है, ठीक है। तो दिमाग नहीं लगाओगे तो फिर अच्छा खासा पैसा नहीं बना पाओगे, दिमाग की गेम है, सारी चीजें अपने तरीके से होनी चाहिए, ठीक है। बाकी आप देख लोगे इधर तो नवी है, राशिद खान है, भाई गेम चेंजर रहते हैं हमेशा से, और नाराज करके नहीं देंगे, इक्का दुक्का विकेट निकाल के देंगे। मुजीबुल रहमान है, ये भी गेम चेंजर बन जाते हैं कभी कभी। नबीलुल हक है, नूर अहमद है, करीम जन्नत है। देखो करीम जन्नत का बात करें तो मीडियम पेसर है, तो उस कंडीशन में अगर कोई लंबा हिट मार रहा है, कंटिन्यू तोड़े जा रहा है श्रीलंका की तरफ से, करीम को उस कंडीशन में विकेट वगैरह मिल सकती है, इस बात का ध्यान रखना। तो ये तो प्लेइंग 11 है, जैसा कि उन्होंने बताया कि रिकॉर्ड्स वगैरह ज़्यादा कुछ मिलेगी नहीं, क्योंकि रिसेंटली दोनों टीमों के बीच में मैच हुआ ही नहीं है, तो सारा कुछ निकाल के देना मुश्किल है। हालांकि अभी अभी जो टूस्ट आने वाला है 28 तारीख को, उसमें भाई धमाका मचा देंगे, कल के डेट में वीडियोज अपलोड हो जाएगी, देख लेना, कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं है। चलो आते हैं, देखते हैं, और मैंने सारी चीज़ें अपलोड करी। देखो मैंने इतनी चीज़ बताई, अभी तो प्लेइंग 11 मैंने बताया, ये रिकॉर्ड्स वगैरह मैंने पहले ही बता दिए। हालांकि कैप्टन चॉइस आपको और प्लेयर के कंपैरिजन में बताऊंगा किस तरीके से कौन से खिलाड़ी आपके लिए अच्छे पिक होंगे, ठीक है। अब देखो यार कि ये टीम है, ठीक है, मैं डेमो के तौर पर टीम प्रोवाइड कराया हूँ मैं, ठीक है। सारी चीज़ें आप देखो इसमें किस तरीके से चेंजेस करने, किस तरीके से अपने भी दिमाग लगा के थोड़ा टीम क्रिएट करने, और अच्छा खासा पैसे कैसे बनाने हैं। गुरबाज ओपनिंग कराएंगे, तगड़े
परफॉर्मेंस करके देते हैं श्रीलंका, जैसा कि मैंने बताया कि जो कि एकदम से देखोगे ना ये कलाई से खेलता है, जिस तरीके से कलाई से, यहाँ से मान लो कि जॉय रूट हो गए, और यहाँ से बात कर ले यहाँ से विराट कोहली हो गए, ठीक है, ऐसे ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि आप देख लोगे एकदम से कलाई तोड़ के खेलते हैं, वो मैक्सिमम कंडीशन में अच्छा खेलते हैं, ठीक है, तो यहाँ से क्लासिक खेलते हैं थोड़े श्रीलंका, तो उस कंडीशन में श्रीलंका को लेना मेरे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है, जजई हैं छोरे, अगर ये तोड़े तो फिर कहीं के नहीं रह जाओगे, तो लेना जरूरी है, जैसा कि मैंने बताया कि T20 फॉर्मेट में बहुत अच्छा करते उस्मान गानी उस कंडीशन में, इसलिए मैंने उस्मान गानी को लिया। अब चेंजेस होंगे, ऐसा नहीं कि टीम में चेंजेस नहीं हुए, टीम में चेंजेस होंगे, 110% चेंजेस होंगे, किस तरीके से होंगे मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ से मैंने बताया हसरंगा हो गए, नबी हो गए, नबी को किस कंडीशन में लेना है आपको, जैसे मान के चलो अफगानिस्तान पहले खेलने आती है उस कंडीशन में आपको मोहम्मद नबी को रखने हैं अपने टीम में, नहीं तो फिर यहाँ से जो है मैंने बताया आपको जो है यहाँ से डे सिल्वा हो गए या यहाँ से धनुष सनाका किसके साथ जो है आपको रिप्लेस कर देना है मोहम्मद नबी को, ठीक है, डे सिल्वा के साथ करोगे तो ज़्यादा फायदेमंद रहेगा, क्योंकि नन फोकस्ड खिलाड़ी हैं, थोड़े कम लोगों ने उनके ऊपर नजर दिखाई है, ठीक है। अब बॉलिंग सेक्शन में बात करते हैं, ठीक है, बॉलिंग सेक्शन में देखो राशिद खान है, मलिक है, ठीक है, अब देखो यार कि मैंने एक चीज आपको बताई, इधर से देखो सारी चीजें देखोगे यहाँ से, अब देखोगे यहाँ पे नाम नहीं है, ठीक है, यहाँ से देखोगे नाम नहीं है, भाई आपने कैसे ले रखा है, ऐसा मैंने बताया कि डेमो टीम है, ठीक है, डेमो टीम है, यहाँ पे सारी चीजें चेंजेस होगी, ऐसा मैंने एक एक्स्ट्रा खिलाड़ी दिया, अभी मैंने जब आपको अदर चॉइस पे बताऊंगा सारी चीजें, यहाँ पे नजर मारो एक, ठीक है, कि अदर चॉइस, ये सारी चीजें अदर चॉइस पे नजर मारोगे यहाँ पे सारी चीजें एक्सप्लेन होगी अपने तरीके से, किस तरीके से मैं फटाफट बता देता हूँ आपको, ठीक है। देखो जिस तरीके से मैंने बताया कि मुजीबुर रहमान आपके लिए एक चॉइस है, तो यहाँ से मलिक को रिप्लेस करो, हालांकि खेलने के चांसेस मलिक के भी हैं थोड़े बहुत, अगर नूर अहमद की जगह पे सारी चीजें बदल जाती है तो मलिक के भी चांसेस बन जाएंगे, ठीक है, तो एक खिलाड़ी को तो किसी भी खिलाड़ी को रख लेना था एज अ डेमो, जैसा कि मैंने बताया, ठीक है, तो मुजीबुर रहमान भी आपके लिए चॉइस है, इनको भी ले सकते हो, ठीक है। अब यहाँ से बात करें, यहाँ से टिक जो मारा हुआ है फारूकी पे, ठीक है, अब देखो कुछ प्लेयर बोलेंगे, कुछ मेंबर बोलेंगे कि भाई यहाँ से क्या ही बता रहे हो, कुछ लॉजिक है या नहीं, बस ऐसे बता रहे हो सारी चीजें, तो भाई लॉजिक तगड़ी है, जो ये खिलाड़ी है मैंने टिक मारी है, अगर खेलता है, ठीक है, बंदा अगर खेलता है आपके लिए 95% ग्रैंड लीग में अच्छा खासा पॉइंट्स देके जाएगा, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। और जिस तरीके से मैंने बताया कि यहाँ से धनुष सनाका अदर चॉइस है, अगर मोहम्मद नबी अगर मान के चलो कि अफगानिस्तान बाद में खेलने आता है, पहले श्रीलंका खेलने आता है, तो यहाँ से सनाका या डे सिल्वा नीचे जो है, यहाँ से डे सिल्वा आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा, तो बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है, छोटी बात है, बस काम करने आपको अपने तरीके से, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया कि भानुका भी अदर चॉइस में है अवेलेबल, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात है, नजमुल्ला जदरान भी है आपके लिए, ठीक है, और यहाँ से निशांका भी है, ठीक है, सारे अच्छे खिलाड़ी हैं अदर चॉइस पे अवेलेबल है, किस तरीके से आपको कमिट करने हैं मैंने बताई, और राउंडर सेक्शन में तो मैंने सिंपल बता ही दिया, अगर अफगानिस्तान पहले खेलने आता है, श्रीलंका पहले खेलने आता है, तो नबी को हटा के या डे सिल्वा अच्छे पिक होंगे, डे सिल्वा को रख लेना, बाकी इस तरीके से आप देखोगे कि मान के चलो गुरबाज ओपनिंग नहीं कराता है, ठीक है, जदरान ओपनिंग कराने आ जाता है तो जदरान को ले लेने हैं, गुरबाज को उधर से हटा के एक जो विकेट कीपर होंगे श्रीलंका की तरफ उसको रख लेने, तो इस तरीके से टीम बनती है, ठीक है, इस तरीके से गेम बनेंगे आपके, ठीक है, बहुत लंबे लॉजिक नहीं लगाने। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, फर्स्ट वीडियो था, उतना भी ज़्यादा एग्रेसिव होना जरूरी नहीं समझे हम, ठीक है, तो फुल्ली मतलब कि थोड़ा मोटिवेट करो, वीडियो को लाइक वगैरह करो, कमेंट करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में बारीकी से मैं तोड़ तोड़ के बताऊंगा आपको, क्योंकि एकदम से भयानक बड़ा मैच है, तो उस कंडीशन में कुछ अच्छा होगा मुझे लग रहा है, और इंडिया को दिल से सपोर्ट भी तो करना है और बदला भी लेना है, ठीक है, तो वीडियो देखना, मैचेस देखना, सॉरी मैचेस देखना, वीडियो का तो नहीं कहेंगे क्योंकि दिल से सपोर्ट करने वाले हैं उतना ज्यादा, हालांकि हमारा काम है प्रेडिक्ट करना, तो सारी चीजें होती रहती है, बाय, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, अपना ख्याल रखना, सीखते रहो जीतते रहो लाइफ।